हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज 5 मई है और आज के बाद कुल मिला के 24 दिन बचे हुए हैं यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी तक आपने जो कुछ भी जीएस में पढ़ा होगा वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने अच्छे से किया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जीएस में अभी बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो अगर बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें कि सिर्फ 24 दिन बचे हैं और 24 दिन में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे बन जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं उसी बारे में बात करूँगा, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं या वो जो इवेंट्स हैं जो मुझे पढ़ के जाने चाहिए और एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है। तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं डायरेक्टली यूपीपीएससी में, आपको उनको सभी को कवर करना है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप शुरुआत करिए 1757 से। 1757 से आप शुरुआत करेंगे, फिर 1764 पढ़िए, 65 पढ़िए, उसके बाद 1773 से एक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर उसको पढ़िए, 93 पढ़िए, 1793 पढ़ लीजिए, फिर 1813 आ जाइए, 1833 आ जाइए, फिर इसके बाद आप सीधा 1853 के पास आ जाइए। उसके पास जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो इंडिया में हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर 1857 आ जाइए, फिर रिवॉल्ट आ जाएगा, फिर 1858 आ जाइए, एक्ट आ जाएगा उसका, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट शुरू हो जाते हैं 61 का, आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 1885 तक आ जाइए। ठीक है, 1885 आने के बाद देखिए असली कहानी मॉडर्न हिस्ट्री में वहीं से शुरू होती है जहाँ से कांग्रेस का जन्म हुआ है। ठीक है, तो 1885 से आपको ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी चीज़ें 1885 से ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। 1885 के बाद आप 1900 तक बहुत छोटे मोटे इवेंट हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। 1900 के बाद आपको इवेंट इग्नोर नहीं करने हैं, बीच में बस एक शिकागो इवेंट है जो स्वामी विवेकानंद जी वाला, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर 1905 से इंडियन, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडियन में हिस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन है, जो अलग अलग इवेंट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाते हैं, तो फिर 1905 आप पढ़िए, फिर 1906 पढ़िए, फिर जो 1907 है, फिर जो कांग्रेस के जो सेशन हो रहे हैं वो सेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ईयरली जो जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं वो आप 1885 से लेके 1947 तक सबको देख के जाइए, उसमें इंपॉर्टेंट सेशन है, करीब 10-15 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके कौन हेड रहा है, मतलब वो मीटिंग किसके द्वारा प्रिसाइड की गई है वो आप देख के जाइए, उस इवेंट की क्या खास बात रही है उसको देख लीजिए। फिर आप 1909 में आ जाएंगे, फिर 1909 के बाद आप 1911 में आ जाएंगे, 1912 में आ जाएंगे, फिर गांधी जी आ जाते हैं, तो फिर गांधी जी के आने के बाद आपको पता ही है कहानी बहुत अच्छी शुरू हो जाती है 1915 से। फिर आप वहाँ से 1915, 1916, 1917 वर्ल्ड वार का ईयर होता है, फिर आप 1919 आ जाइए, 1920 आ जाइए, सारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 1921 आ जाता है हमारा, 1922 आ जाता है, फिर उसके बाद आप 1925 आ सकते हैं, 1925 के बाद आप 1927 आ सकते हैं, साइमन तक आ सकते हैं, 1928 आ जाइए, फिर 1929 आ जाइए, लाहौर का आ जाइए, फिर 1930 आ जाइए, गांधी इरविन आ जाइए। ठीक है, फिर 31 राउंड टेबल आ जाइए, 32 पढ़ लीजिए, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, उसके बाद आप 1939 आ सकते हैं, वर्ल्ड वार टू का पीरियड जो फिर से शुरू हो जाता है, फिर 1940 है, फिर 41 है, 42 है, फिर हर ईयर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, आपको बस उस मेजर इवेंट्स को पढ़ के जाना है। 1944, 1945, 1946 के बाद थोड़ा मंथ पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि वो कौन से मंथ में क्या चीज़ें हुई हैं और कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं या कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं या क्या क्या प्रपोजल कौन कौन लेके आया और इस दौरान ब्रिटिश मतलब यूके में कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है, इसके बारे में ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 1940 के बाद का जो पीरियड है 47 तक, उससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे यूके में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से पूछेंगे, वायबल प्लान पूछ लेंगे आपसे, फिर इस तरीके से आप 47 तक आ जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 46 से शुरू हो जाती है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जितनी भी कमिटीज़ रही हैं, कौन उसको हेड किया है, कौन मेंबर रहा है, ये सभी आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सिर्फ कमेटी के चेयरमैन का नाम मत पढ़ लीजिएगा, कमेटी के चेयरमैन के अलावा कुछ ना कुछ एक दो मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में वो भी ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इंसिडेंट हैं, जैसे जनरल डायर वाला इंसिडेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट है ना, काकोरी इंसिडेंट है, तो ये सब आप छोड़ के मत जाइएगा, इनकी डेट याद रखिएगा, दांडी मार्च जैसे उसकी डेट पूछी जाती है, टोटल पीरियड पूछा जाता है, कई बार किलोमीटर ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा सीधा सीधा, और आप पहले इसको कवर करिए और उसके बाद बाकी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यही मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ठीक है, तो आई थिंक आपने मेरा पॉइंट समझ लिया अच्छे से, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके इसी सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट देने की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।